डिज्नीलैंड में काम करना शुरू करने से पहले दिन से मुझे एक बात स्पष्ट की गई थी, डिज्नीलैंड में किसी को भी मरने की इजाजत नहीं है, ना ही अभी ना ही कभी। ये पार्क नियमों के विरुद्ध है। ये कैसे पॉसिबल है, मैंने पार्क मैनेजर से पूछा जो अपने टेबल के पीछे बैठा था। हम उनके ऑफिस में थे और मैंने कागजी कार्रवाई के ढेर पर साइन करना समाप्त कर दिया था। कानूनी रूप से लिखे गए एग्रीमेंट जिनका मैं मुश्किल से एक भी शब्द समझ पाया। यदि कोई हमारी दीवारों के भीतर मर जाता है तो इससे पार्क की रेपुटेशन खराब होगी, तो किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अनफॉर्चुनेट दुर्घटना में शामिल किसी भी पार्टिसिपेंट्स को मेडिकल देखभाल के तहत क्यों रखा जाए जब तक कि वे निकटतम अस्पताल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास CPR सर्टिफिकेट है, तुम एक इम्पोर्टेंट टीम मेंबर बनने जा रहे हो, लेकिन हम सभी को सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। और इस तरह मैं अगस्त के 100 डिग्री वाले दिन पर एक चमकदार गुलाबी तितली पोशाक में तपता रहा। साथ ही बहुत गर्मी थी जिससे कुल तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया। मुझे एहसास हुआ जैसे कि उस विशाल रोएदार गुलाबी तितली पोशाक के अंदर मैं खुट रहा था। ब्यूटी पार्टी, क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ आई थी। तुम मेरी फेवरेट हो, मैं बड़ी होकर तुम्हारी तरह बटरफ्लाई बनना चाहूंगी। मैंने अपनी आँखें उस विशाल नकली सिर से नीचे घुमाई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था, ये टॉर्चर था। सच कहूँ तो मैं इस सूट में मर रहा था। तुम मेरे साथ फोटो ले सकती हो छोटी बच्ची, मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉल्सेटो बटरफ्लाई आवाज में कहा। मुझे लगता है कि उसके बाद मैं क्षण भर के लिए बेहोश हो गया था, क्योंकि मैं फुटपाथ पर औंधे मुंह पड़ा था। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो लड़की के माता पिता और बच्ची चिंतित दिखे। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुझसे दूर खींच लिया। क्या तुम नशे में हो, माँ ने पूछा। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और अपने कंधों पर गुस्से भरी निगाहें डालते हुए मैनेजर ऑफिस की ओर बढ़ गए। हे, यहाँ सचमुच बहुत गर्मी है, तुम लोगों ने शॉर्ट्स पहन रखे हैं और मैं इस भारी भरकम सूट में हूँ। मैं लगभग 30 सेकंड तक चिंतित रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इस नौकरी की परवाह नहीं है और अपनी खोपड़ी से विशाल रोएदार सिर को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं इसे अब और नहीं सह सकता था। मेरे पसीने से तर बाल चिपचिपे थे और कपड़ा उनसे चिपक गया था, जिससे मुझे कॉस्ट्यूम से नकली सिर निकालने से रोका जा रहा था, लेकिन मैं उसे हटा नहीं सका। मैंने उसे मोड़ने और ऊपर नीचे हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी खोपड़ी उसमें फंस गई थी और मैं पल पल में और अधिक घबराने लगा। अब गर्मी बहुत तेज होती जा रही थी। मदद करो, मैं इसे हटा नहीं पा रहा, मदद करो। सूट में मेरे फेफड़ों से गर्म आर्द्र हवा भर गई थी। आखिरी बात जो मुझे याद आई वो ये थी कि मैं बेहोश होकर फुटपाथ पर गिर गया था, तो पैरामेडिक्स मेरी ओर दौड़ रहे थे। जब मैं जागा तो मैं एक अंधेरे गुमडुमा कमरे में था। ये नम और ठंडा था और कम से कम मैं इसके लिए थैंकफुल था, लेकिन मैं अभी भी अपने कॉस्ट्यूम में था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इस बड़े तितली कॉस्ट्यूम के मुंह के माध्यम से प्रदान की गई दृष्टि के धुंधले लेंस के माध्यम से मैं कहाँ था। अचानक मैं अनिच्छुक रूप से कांप उठा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। डिज्नीलैंड में कोई नहीं मरता। मुझे याद है कि मेरे बॉस अपने टेबल के पीछे से कह रहा था, हम उन्हें कड़ी चिकित्सा देखभाल के तहत रखते हैं जब तक कि वे खुद पास के किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते। मैंने अफवाहें सुनी थी कि उसका क्या मतलब था। डिज्नीलैंड में काम कर चुके लोगों की अनवेरिफाइड रिपोर्टों में पार्क की दीवारों के भीतर विजिटर्स को जीवित रखने के लिए अपनाई जाने वाली अंधेरी प्रथाओं की कहानियां बताई गई, जिन बातों पर मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वो ऐसी कहानियां थी जिनमें एम्प्लॉयज बिना सिर वाले शवों पर CPR कर रहे थे, लाशों पर डीफाइब्रिकेशन जैसी लाइफ एक्सटेंडिंग प्रोसीजर्स कर रहे थे, बस इतना कहने के लिए कि इनके मरने का समय और मरने की जगह कहीं और है। लेकिन इनमें से किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं की गई थी। ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण था कि कैसे इतने पुराने पार्क में इतने सारे विजिटर्स के साथ इतने सालों में शून्य मृत्यु हो सकती है, लेकिन इस क्षण तक इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मैंने चारों ओर देखा और देखा कि मेरे चारों ओर और सैकड़ों लोग टेबल पर लेटे हुए थे। ठंडे स्टेनलेस स्टील की सतह ने कमरे के हर इंच को ढक दिया था और हर टेबल एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। ऊपर से भाप और दबाव की आवाज आ रही थी और मैंने देखा कि छत के पास एक छेद था जिससे बैंगनी गैस का बादल अंदर आ रहा था।
उस गैस ने मुझे हैरान कर दिया। ये नेचुरल नहीं लग रहा था और मुझे लगा कि ये FDA द्वारा अप्रूव्ड नहीं किया गया था। जैसे ही बैंगनी धुआं मेरे चारों ओर हवा में छा गया, मैंने सफेद चादर के नीचे शरीरों से हलचल और हिलते हुए देखा। वे इधर उधर लुढ़कते हुए छटपटाने लगे और करहाने लगे। हवा रसायनों की दुर्गंध से भर गई और मुझे गैस में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं जोर जोर से खांसने लगा और ये और भी बदतर हो गया, जैसे मेरे अंदर कोई वायरस फैल रहा हो, क्योंकि मैं स्टील के टेबल पर वापस गिर गया। और यह मुझे जकड़ने लगा। मैं फर्श पर उठा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे यकीन था कि मैं अभी भी सपना देख रहा था। मुझे सो जाना चाहिए था, ये एक बुरा सपना होना चाहिए, क्योंकि मेरे चारों ओर लाशें खड़ी थी और अपनी सफेद आंखें झपकाते हुए मुझे अपने मृत चेहरों के साथ घूर रहे थे। वेंडर की आउटफिट पहने एक आदमी का जबड़ा गायब था, फैनी पैक पहने एक औरत की आंखों से खून बह रहा था, उसकी खोपड़ी एक तरफ से फट गई थी और उसका दिमाग दिख रहा था। वहां शेफ की यूनिफॉर्म में एक बुरी तरह से जला हुआ आदमी था, उसके हाथ और चेहरे लाल थे और वो छिल गया था। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, किसी ने गहरी तेज आवाज में कहा। ग्रे कस्टोडियन की वर्दी में एक लंबे आदमी के बीच से गुजरते हुए लाशें एक तरफ हटने लगी। उसे सांस लेने के लिए जगह दो दोस्तों, ये मत भूलो कि जब तुम पहली बार यहाँ जागे थे तो तुम बिल्कुल ऐसे ही थे। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद। बहुत अच्छे, ठीक है सब लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पार्क अपने आप साफ नहीं होने वाला। किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। जब हम पार्क से बाहर निकले तो मैंने पाया कि मैं एक जुलूस में मार्च कर रहा हूँ। बाहर अंधेरा था और जगह बंद थी। मैं ज़ॉम्बीज़ के उद्देश्य को समझने लगा और अब मेरा उद्देश्य क्या होने वाला था, क्योंकि मैं उनके रैंक का हिस्सा था। हे, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है, मैंने उस आदमी से कहा। मैं मरा नहीं हूँ, मुझे बस लू लग गई थी और मैं बेहोश हो गया था, बस इतना ही। वो आदमी मेरे पास आया और मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, मास्क के माध्यम से मेरा निरीक्षण किया। हाँ, दिलचस्प, ठीक है, हो सकता है कि तुम शुरू में मरे नहीं थे, लेकिन उस गैस ने निश्चित रूप से अपना काम किया। वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है, लेकिन अगर तुम अभी भी जिंदा हो और सांस ले रहे हो, माफ करना बच्चे, लेकिन तुम अब हमारा हिस्सा हो। मैंने झाड़ू गिरा दी और खड़खड़ाहट के साथ फुटपाथ पर गिर पड़ा। फिर मेरे घुटने जवाब दे गए और मुझे बैठना पड़ा। क्या मैं मर गया हूँ? ये बहुत अवास्तविक था और ये और भी बुरा था, क्योंकि मैं अभी भी उस तितली की कॉस्ट्यूम में फंसा हुआ था। मैं मर गया था और मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। उसने झाड़ू उठाया और फिर मुझे सौंप दिया। लेकिन हम सभी को शून्य से शुरुआत करनी होगी। मेरा छोटा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। इस हेलोवीन हमारे अंकल हमें डिज्नीलैंड ले गए। वे हमें ले गए और टिकट लेने चले गए, जबकि मैं और मेरा भाई इंतजार करते रहे। हेलोवीन के दौरान हम पहली बार डिज्नीलैंड में गए थे और मैं कसम खाता हूँ कि वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। डिज्नीलैंड हेलोवीन सजावट के साथ विस्फोट कर रहा था, जिसमें येल्लो और ऑरेंज रंग के पतझड़ के मौसम के रंग शामिल थे। पार्क में प्रवेश करते ही हम डिज्नी कैरेक्टर पंपकिन्स के नीचे से गुजरे। मेन सड़क पर टहलते हुए हमें मिकी, मिनी, डोनाल्ड, डेजी और प्लूटो के आकार में सैकड़ों हाथ से बने पंपकिन्स दिखाई दिए। चीप और डल हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मेरा छोटा भाई खुशी से चिल्ला उठा और मैंने भी यहाँ हमें लाने के लिए मेरे अंकल को थैंक्स कहा। जितनी संभव हो सके उतनी सवारी करने के बाद हम बर्गर के लिए रुके। तब तक अंधेरा हो चुका था और हेलोवीन की सभी सजावट जगमगा उठी। वहां देखो, हॉन्टेड मैंशन, मेरे भाई ने हेलोवीन थीम वाले विशाल हॉन्टेड मैंशन की तरफ इशारा किया। मैंशन को टीम बोटन्स में बदल दिया गया था। तभी मैंने देखा कि जैक स्केलेटन जैसे पोशाक पहने एक लंबा और पतला आदमी मैंशन के पास खड़ा था। वो बच्चों को फ्री स्केलेटन फेस मेकअप देने के लिए बुला रहा था। वहां ये छोटा सा घेरा था जहां एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसके साथ अंदर जा सकता था,
किसी कारण से मुझे वो पसंद नहीं आया। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल और नसें बाहर निकली हुई थी। मेरे अंकल ने कहा कि हम अंदर जा सकते हैं और वो बाहर हमारा इंतजार करेंगे। मैं और मेरा भाई मेंशन की ओर जा रहे थे, तभी अचानक वो आदमी हमारे पास आया। हेलो बच्चों, तुम कैसे हो? क्या तुम स्केलेटन का मेकअप ट्राई करना चाहोगे? ये कहते हुए उसने अजीब सा डांस किया। मेरा भाई हंसा, लेकिन मुझे ये फनी नहीं लगा। क्या तुम जैक स्केलेटन हो? मेरे भाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हम ये जानने के लिए काफी बड़े थे कि वो भूमिका निभाने वाला कोई नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन ये अजीब लगा कि वो आदमी कितनी अजीब तरह से ये दिखावा करता रहा कि वो सच में जैक स्केलेटन है। तुम सही हो बच्चे, मैं पम्पकिन किंग हूँ। फ्री में फेस पेंट के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मेरी तरह कूल दिखना चाहोगे? अब मुझे अपने चेहरे पर किसी अजीब दिखने वाले डिज्नी कैरेक्टर का पेंट नहीं करवाना था, तो मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं थैंक्स, हम हॉन्टेड मैंशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा भाई हमेशा से एक सनकी बच्चा रहा है, जो कुछ भी करने से पहले मुश्किल से सोचता है, इसलिए मैंशन में जाने के बजाय उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, जरूर मुझे फेस पेंट चाहिए। मैं अपने अंकल को देखने के लिए पीछे मुड़ा और उन्हें दूर से टाइट कपड़े पहने किसी सुनहरे बालों वाली लड़की से बात करते हुए देखा। मैं अपने भाई को छोड़कर अपने अंकल के पास नहीं जा सकता था और वो जगह इतनी भीड़ भाड़ वाली और शोरगिल थी। उस आदमी ने मेरे भाई की ओर हाथ उठाया, ठीक है फिर मेरे साथ आओ। मेरा भाई एक पल के लिए भी झिझके बिना उसके पीछे चला गया। मैं अनिच्छा से उसके साथ चला गया। हम बाड़े के ठीक सामने थे। एक समय में बस एक लड़का ही जा सकता है। यहाँ रुको और मैं तुम्हारे भाई को नया चेहरा दूंगा। जिस तरह से उसने ये कहा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ सकता था कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मैं तो बस एक बच्चा था और अपने भाई को उस स्टॉल में ले जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि स्टॉल के अंदर क्या हुआ, लेकिन जब मेरा भाई बाहर आया तो उसका चेहरा अलग था। फिर वो जैक स्केलेटन के मेकअप के साथ बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझे एक जॉम्बी की तरह घूर रहा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई पलक झपकना नहीं। जब मैं और मेरा भाई अपने अंकल के पास वापस गए तो मेरे अंकल बहुत हैरान हो गए। बेटा तुम तो बिल्कुल डिज्नी कैरेक्टर की तरह लग रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी स्माइल भी उससे मिल रही है, मेरे अंकल ने कहा। मैंने अभी यही नोटिस किया, वे सही थे। भले ही डिज्नीलैंड की पोशाक पहने व्यक्ति ने मुझे चौंका दिया, लेकिन वो एक बहुत टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट था। मेरे भाई के चेहरे पर मुस्कान इतनी अच्छी तरह से ड्रॉ की गई थी कि वो बिल्कुल एकदम मूवी के कैरेक्टर जैसा दिख रहा था। जब हम घर पहुंचे, हमारे माता पिता उसके चेहरे पर हंसे और मजाक किया, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात वो रात के खाने के लिए नीचे नहीं आया। वो बस अपने कमरे में चला गया और खुद को अंदर बंद कर दिया। अगले दिन वो स्कूल नहीं गया। मैं उसके कमरे में गया और मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि वो शीशे के सामने बैठा अपने चेहरे को घूर रहा था। मेकअप अभी भी था। अरे तुम अपना चेहरा धो क्यों नहीं लेते? क्योंकि अब चीजें वाकई अजीब हो रही थी। उसने धीरे से अपना सिर मेरी ओर घुमाया और अपनी गर्दन बाईं ओर झुकाकर देखता रहा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने उसके व्यवहार से भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन वह उठकर बाथरूम में चला गया। कई मिनट बीत गए और वो अभी भी बाहर नहीं आया। मुझे चिंता हो रही थी। मैंने अपने माता पिता को बुलाया और वे उसके कमरे में आए। हम सब बाथरूम का दरवाजा पीटने लगे। 5 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला और उसने अभी भी अपना चेहरा नहीं धोया था। मेरी माँ उसके व्यवहार से क्रोधित हुई और वो उस पर चिल्लाने लगी, अभी अपना चेहरा जाकर धो। मेरे भाई ने अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया, इसे धो लो वरना मैं धो दूंगी, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उन्होंने गुस्से में कहा। मेरे भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी माँ अंदर गई, मेरे भाई को गर्दन से पकड़ा और सिंक में उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। आगे जो हुआ उसने मेरे खून को ठंडा कर दिया। पेंट उतरते ही हमारा सामना एक डरावने सच से हुआ। जो मुस्कान हम सब ने सोची थी कि वो ड्रॉ की गई थी, वो कोई नकली मुस्कान नहीं थी। जैक स्केलेटन की मुस्कान का आभास देने के लिए उसके चेहरे को सुई और धागे से सिल दिया गया था। मैं चिल्लाया। मेरे भाई को ऐसा देखकर मेरी माँ रोने लगी और मेरे डैड ने तुरंत पैरामेडिक्स को कॉल किया। हम उसे अस्पताल ले गए और पता चला कि उसे ड्रग्स दिया गया था।
इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टरों ने उसके टाके को काट दिया और उसे 3 दिन तक निगरानी में रखा गया। सिलने के निशान अभी भी उसके चेहरे पर थे और डॉक्टरों ने कहा कि वे समय के साथ चले जाएंगे। हम जैक स्केलेटन जैसे कपड़े पहने उस आदमी की तलाश में डिज्नीलैंड में वापस गए, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हेलोवीन के दौरान जैक स्केलेटन के रूप में कोई भी आदमी वहां काम नहीं करता था। इसकी शुरुआत स्कूल के किसी नॉर्मल दिन की तरह ही हुई। मिस्टर रीच हमें ज्योमेट्री सिखा रहे थे ओवरहेड प्रोजेक्टर पर अलग अलग शेप्स की ओर इशारा करते हुए, जबकि बच्चे पीछे से फुसफुसा रहे थे और कुछ लोग सो रहे थे। प्रोजेक्टर की चमक को छोड़कर क्लास में अंधेरा था और बाहर से चमक को रोकने के लिए शेड्स खींचे गए थे। एक बार जब उनका लेसन खत्म हुआ तो मिस्टर ब्रीच ने मुझसे कहा कि जब तक वे लाइटें चालू कर दें तब तक मैं पर्दे खोल दूं। इसलिए मैं अपनी सीट से उठ गया और खिड़की के पास चला गया। जैसे ही पर्दा ऊपर गया मैंने रस्सी खींच दी और शीट ऊपर उठा दी। उसके बाद खिड़की के ठीक सामने दूसरी ओर खड़े कांच जैसे आंखों वाला मानव आकार के कुत्ते का चेहरा दिखाई दिया। मैं चिल्लाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। बड़ी जमी हुई आंखों का कोई मतलब नहीं था। टीचर दौड़े और मेरे कंधों को पकड़कर मुझे शांत करने की कोशिश की। हुआ क्या मिस्टर ब्रीच ने चिंतित होते हुए मुझसे पूछा। मैंने आंखें खोली और देखा कि बाहर की चीज गायब हो गई थी। बाहर मैंने कुछ मैंने यह सोचने की कोशिश की कि जो चेहरा मैंने अभी देखा था उसे कैसे समझाऊं। वो क्या था, तुमने क्या देखा? पूरी क्लास मुझे उम्मीद से देख रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें नहीं बता सकता। मैं शर्मिंदा हो गया। कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं था। टीचर गुस्से में दिखे और मुझसे कहा कि मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं और उनकी क्लास को दोबारा डिस्टर्ब न करूं। मैंने खिड़की पर एक आखिरी बार चिंतित दृष्टि डालते हुए बाहर देखा। मैंने वो चीज़ दोबारा नहीं देखी कुछ घंटों बाद तक, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसेस के समय स्कूल परिसर में अजीब अफवाहें फैल रही थीं, जिसमें कहा गया था कि लोकल डिज्नी पार्क के पास कुछ हुआ था, किसी प्रकार का प्रकोप हुआ था, चाहे ये आतंकवादी हमले के कारण हुआ या पास के रासायनिक कारखाने में दुर्घटना के कारण। कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था। न्यूज में लोगों के बीमार होने, अजीब व्यवहार करने और फिर लोगों को काटने की सूचना दी गई, और जो काटे गए थे वे इन्फेक्टेड हो रहे थे और वे लोगों को भी कर रहे थे। वे एक दूसरे को जिंदा लाश की तरह काट रहे थे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। लेकिन ये असंभव था, मैंने खुद से कहा। शायद ये आने वाली वॉकिंग डेड मूवी या किसी दूसरे स्पिन ऑफ के लिए एक वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। इन रिपोर्टों के बावजूद हमें रिसेस में बाहर जाने की अनुमति दी गई। किसी ने नहीं सोचा कि पास के डिज्नीलैंड पार्क के बाहर जनता के लिए कोई वास्तविक खतरा था। उस समय न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि वो निहित था, जो कुछ भी था समाहित हो गया था। मैं ग्राउंड में कुछ दोस्तों के साथ रिसेस के दौरान फुटबॉल खेल रहा था। तभी मैंने लगभग 100 गज की दूरी पर पेड़ों के बीच एक फिगर खड़ी देखी। वो छांव में था इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका, लेकिन वो अजीब लग रहा था। उसकी रूपरेखा इंसान की तरह नहीं लग रही थी। वो क्या है, मैंने अपने दोस्त डेव से पूछा। उसने उस ओर देखा जहां मैं इशारा कर रहा था, और जैसे ही उसने देखा वो फिगर तेजी से किनारे होकर पेड़ों के पीछे छिप गई और एक बड़े ओक के पेड़ के तने के पीछे गायब हो गई। क्या, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, डेव ने मुझे बॉल पास करते हुए कहा। लो किक मारो, आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यार, तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने किसी को देखा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। बस कुछ दूरी पर वापस चला गया ताकि मैं उसकी ओर फुटबॉल फेंक सकूं। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर मैंने उन पेड़ों पर एक और चिंतित नजर डाली। हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो, लेकिन मैं कसम खा सकता हूं कि जो छाया चित्र मैंने देखा वो वैसा ही दिखता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा कि मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूँ। रिसेस के बाद हमारी इंग्लिश की क्लास थी और मैं फिर से खिड़की के पास बैठा था। मेरी नज़र बार बार उस पेड़ रेखा की ओर जा रही थी जहां मुझे फिगर्स घूमती हुई स्कूल की ओर पढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सका। जब मिसेस ब्लैकवुड शेक्सपियर के बारे में बात कर रही थी
तो मैं डर के मारे वहीं बैठा रहा और उन्हें देखता रहा। और आखिरकार जब मैंने उन्हें स्कूल के पास आते हुए देखा तो मैं बुरी तरह से कांपने लगा। आखिरकार बगल की क्लास में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज ने मुझे स्तंभ कर दिया और मैं बाहर बढ़ती भीड़ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोग अंदर थे। पीए ने स्कूल में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, स्टूडेंट्स को अपने डेस्क के नीचे छुपने को कहा गया और टीचर्स को अपना दरवाजा बंद करने के लिए कहा गया। मिसेस ब्लैकवुड ऐसा करने गई और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी दरवाजा खुल गया और कई डिज्नीलैंड मैस्कॉट्स कमरे में घुस गए। उनके मुंह खून से लाल हो गए थे, उनके सफेद ग्लव्स वाले हाथ इंटेस्टाइन और अंगों के टुकड़ों से ढके हुए थे और मिकी और गुफल गुस्से भूखी आवाज में कुत्ते की तरह गुर्रा रहे थे। मिकी! एक दिमाग से पागल लड़की अपनी कुर्सी से कूदते हुए चिल्लाई। या तो उसने खून को नहीं देखा था या तो उसे कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो केवल अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मिकी से गले मिलना चाहती थी। मेसी, नहीं! टीचर चिल्लाई और लड़की को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और वो उनके बीच फंस गई। और एक सेकंड के बाद गुफी और मिकी मिसेस ब्लैकवुड को उनके बालों से पकड़कर कमरे से बाहर ले जा रहे थे। वे दोनों इस बात पर झगड़ रहे थे कि उसे पहले कौन खाएगा। डिज्नीलैंड के और एम्प्लॉयज को बाहर देखा जा सकता है, न केवल मैस्कॉट्स बल्कि टिकट लेने वाले और कंसेशन स्टैंड वर्कर्स भी। मैंने देखा कि एक पिंपल वाला बच्चा टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रहा है। उसके हाथ कांच के टुकड़ों से कटे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी भनक तक नहीं थी। उसने अपनी खून से लथपथ हाथों को फैलाया और डेव और मेरी ओर दौड़ने लगा और हम दोनों ठीक समय पर हमारी पहुंच से बाहर निकल गए। हमारे डेस्क से नीचे रेंगते हुए हॉलवे में चले गए। एक बार जब हम हॉलवे से बाहर निकले तो हमने देखा कि मिकी माउस और गुफी मिसेस ब्लैकफुट को खा रहे थे। वे अपने हाथों और घुटनों के बल खड़े थे और अपने मुंह में कच्चा खून भरा मांस ठूस रहे थे। मिसेस ब्लैकफुट अभी भी मरी नहीं थी। जब वे उसके टुकड़े टुकड़े करके खा रहे थे तो वो चिल्लाने लगी। डेव ने हाथ बढ़ाया मानो वो उनसे उस टीचर के शरीर को दूर खींच रहा हो, लेकिन मुझे पता था कि अब इसका कोई फायदा नहीं था। यहाँ आ जाओ, मिस्टर ब्रिज हॉल के अंत में क्लास से चिल्लाए। डेव और मैं ज़ॉम्बी थीम वाले पार्क वर्कर्स से दूर अपने टीचर की ओर भागने लगे। मिसेस ब्लैकवुड हॉल से नीचे चिल्लाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन डिज्नीलैंड के मैस्कॉट्स भूखे मरते रहे और वो उन्हें खाते रहे। इसने उन्हें कुछ मिनटों के लिए बिजी रखा। मिस्टर ब्रिज ने हमें क्लास में धकेलते हुए और कुर्सियों से दरवाजा बंद करते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें भागने की जरूरत है। मिस्टर ब्रिज ने अपना लैपटॉप खोला और न्यूज चालू किया जिसमें हमारे शहर की तस्वीरें दिखाई गई। ज़ॉम्बीज हर जगह थे। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। शांत हो जाओ लड़कों, हम जिन मुट्ठी पर लाशों को देख रहे हैं वे बाहर हजारों की संख्या में हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे।